हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुजीद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक हमने सीरीज ऑफ सिसिलियन डिफेंस के बारे में टोटल मैंने 5 वीडियो आपको दे दिए हैं। आज मेरा ये सीरीज का 6th वीडियो है और आज तक हमने साइड लाइन्स की बातें की है सिसिलियन में। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेसडॉर्फ वेरिएशन, जो सिसिलियन में बहुत ही फेमस वेरिएशन है। नेसडॉर्फ वेरिएशन बहुत सालों से खेला जा चुका है और खेला जा रहा है, और सबसे पावरफुल वाइट ब्लैक से अगर है तो नेसडॉर्फ। तो क्या है नेसडॉर्फ वेरिएशन? e4 c5 knight f3 d6। अब यहां से अलग अलग वेरिएशन के नाम भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उसके मेन मूव्स होते हैं d4, यहाँ पे ब्लैक सी टेक्स मारना है, आफ्टर नाइट टेक्स d4, नाइट f6, नाइट c3। ये नेसडॉर्फ का मेन स्ट्रक्चर है। नाइट c3 यहां आपको खेलना है नाइट c6, और ये है रिचर्ड रोजर लाइन। नाइट c6 में व्हाइट खेलता है बिशप g5। यहां पे 3-4 मूव्स है, जैसे कि क्वीन b6, दूसरा है बिशप d7। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिशप d7 इंस्टेड ऑफ क्वीन b6। क्वीन b6 में व्हाइट का स्लाइट एडवांटेज है और bd7 में अनक्लियर पोजीशन है, लेकिन ब्लैक की फेवर में है। bd7 के बाद व्हाइट खेलेगा क्वीन d2, यहां रुक c8। व्हाइट खेलेगा लॉन्ग कैसल और यहां सिंपल नाइट टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4, सेंटर एक्सचेंज करना है, और उसके बाद ब्लैक से आप क्वीन a5 और g5 पे थ्रेट, a2 पे भी थ्रेट है, और क्वीन साइड से आप c5 से ऐसे अटैक कर सकते हो। व्हाइट भी अटैक करता है f4 और f5, e5 वगैरह। यहां एक बेस्ट मूव है रुक सैक्रिफाइस, रुक टेक c3, b takes c3। अब यहां पे क्वीन टेक c3, उसमें स्लाइट ब्लैक को फायदा है, क्योंकि क्वीन एक्सचेंज होने के बाद नाइट सेंटर का पॉन लेगा। एक्सचेंज डाउन होने के बाद भी ब्लैक का अपर हैंड रहता है। तो b takes c3, और यहां आपको खेलना है e5। अगर क्वीन टेक c3 करते तो आगे हम देखते क्या हो रहा है। e5 के बाद qb4, व्हाइट ट्राई करेगा सिंपल एक्सचेंज करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन टेक्स b4, बी क्रॉस b4 और नाइट क्रॉस e4, बिशप h4 और फिर g5। ये दोस्तों ब्लैक के फेवर में है पोजीशन और स्लाइट एडवांटेज है। अगर क्वीन टेक्स b3 करता है, क्वीन टेक्स c3 में क्या पोजीशन होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। e4, c5, नाइट f3, d6, d4, देन c टू d4, नाइट टेक्स d4, नाइट f6, नाइट c3, नाइट c6। बिशप g5, bd7, क्वीन d2, रुक c8, लॉन्ग कैसल, नाइट टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4, देन क्वीन a5, f4 बिशप को सपोर्ट देगा, रुक टेक्स c3। यहां पे आपको सेक्रीफाइस है रुक टेक c3। अगर क्वीन टेक c3 करते हैं तो सिंप्लीफाई करना है क्वीन टेक c3, बी टेक c3, नाइट क्रॉस e4, बिशप h4 और g6 सिंपल खेल सकते हो। नाइट टेक्स c3 भी हो सकता है बाद में। तो दोस्तों, ये पोजीशन में
सिक्स पॉन वर्सेस सेवन पॉन और ब्लैक साइड से ऐसा नहीं कि आप गेम लॉस हो जाओगे। एक्सटेंड डाउन में भी ब्लैक काफी टक्कर दे सकता है, काफी अच्छी तरह से खेल सकता है। दूसरा वेरिएशन देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो दूसरा वेरिएशन है बिना रिस्क का मैं बता रहा हूँ, रुक सेक्रीफाइस नहीं करना है। अगर किसी को लगता है कि मुझे रुक सेक्रीफाइस नहीं करना है, एक्सटेंड डाउन होके कौन खेलेगा, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन उसके लिए भी तैयारी है। तो सबसे देखते ई फोर सी फाइव नाइट एफ थ्री डी सिक्स डी फोर पॉन टेक्स पॉन नाइट टेक्स डी फोर नाइट एफ सिक्स ई फोर पे प्रेशर और नाइट सी थ्री, ये मेन लाइन है। जहां नाइट सी सिक्स बिशप जी फाइव और यहां पे आपको सिंपल ई सिक्स करना है। ई सिक्स के बाद व्हाइट खेलेगा क्वीन डी टू और एक मूव ए सिक्स डिफेंसिव। व्हाइट खेलेगा लॉन्ग कैसल, सिर्फ दो मूव में चेंजेस है हमारे यहां पे ई सिक्स और ए सिक्स। लॉन्ग कैसल के बाद बिशप डी सेवन, इसमें बिशप डी सेवन थोड़ा वेट करके करना है, पहले ए सिक्स और ई सिक्स कर देना है, उसके बाद आपको बिशप डी सेवन खेलना है। ध्यान रहे नाइट एक्सचेंज अभी करने की जरूरत नहीं है। बी डी सेवन के बाद व्हाइट खेलेगा बिशप ई टू और यहाँ बी फाइव। बी डी सेवन आपके सी सिक्स नाइट को सपोर्ट करके आगे हम बढ़ते हैं। बी फाइव के बाद अगर व्हाइट ने नाइट टेक सी सिक्स किया, सिंपल बिशप टेक सी सिक्स और क्वीन ई थ्री, यहां आपको क्वीन ई सेवन बिशप एफ थ्री और क्वीन को मेनोरिंग करना है क्वीन ए सेवन। क्वीन ई टू व्हाइट नहीं एक्सचेंज करेगा क्योंकि यहां पे पोजिशनली ब्लैक का अपर हैंड है। नाइट डी सेवन अब मेनोरिंग करना है नाइट का, ई फाइव तो यहां पहले बिशप टेक्स एफ थ्री, जी टेक्स एफ थ्री, डी क्रॉस ई फाइव, रुक डी टू। व्हाइट यहां पे रुक फाइल मतलब डी फाइल में प्ले कंटिन्यू करेगा और इस पोजीशन से ब्लैक को काफी फायदा है। अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती है, गेम सिंप्लीफाई हो जाती है, तो ज्यादातर ब्लैक के फेवर में है गेम। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही बढ़िया लाइन बताऊंगा सिसिलियन में, जिसे कहते हैं सिसिलियन ड्रैगन। सिसिलियन ड्रैगन एक्सेलरेटर ड्रैगन हमने पहले देखा है, अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा सिसिलियन ड्रैगन का। ये मेरा सिसिलियन की सीरीज में सिक्स्थ वीडियो है, तो ध्यान से देखिए और सारे वीडियो सिसिलियन के देख के अपनी लाइन तैयार कीजिए। बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे ओपनिंग्स मेरी चैनल में है और हर एक वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।